पे है ना काफी फेक लोग भी हैं जो इस तरह की अपने मतलब पैसा कमाने के लिए बोलो या उसकी आड़ में कुछ गलत काम भी कर रहे हैं जो भी। हम पांचों मर गए होते, इतनी परिस्थिति खराब थी। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल और इस समय पंडोकर धाम में हूँ जहाँ हमारी मुलाकात राजस्थान टीम से होगी और ये सभी भक्त यहाँ पर जयपुर से आए हैं और इनसे बात करेंगे कि पंडोकर धाम में आकर कैसा लगा और पंडोकर धाम को किस तरीके से वो पहचानती हैं और यहाँ के क्या मुख्य राज हैं, इनसे तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम दीपिका जैन है, मैं जयपुर से हूँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष रही हूँ महिला मोर्चा से। तो मैं यही कहना चाहूँगी, पंडोकर धाम में आके मुझे बहुत शांति और बहुत अच्छा फील हो रहा है और गुरुजी से मेरी मुलाकात हुई, जब मेरा नंबर आया उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें मुझे बताई मेरे बारे में, जो मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती थी, मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ। पहली मतलब मैं पहली अमावस है मेरी यहाँ की, तो मैं यहाँ पर आज आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें मुझे बताई जिससे मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और आज यहाँ पर मेले का शुभारंभ हुआ है आज से, जो अगले 15 दिन तक चलेगा। तो मैं यहाँ बहुत मतलब उसको अटेंड करने आई हूँ और मैं यहाँ इसी वजह से रुकी हूँ मेनली कि यहाँ मेला लगा और गुरुजी ने आज जो भंडारा कराया और सब, तो मैंने आज बहुत अच्छा महसूस हुआ मुझे और मेरे को बहुत सुकून है कि मैं यहाँ ऐसे पवित्र धाम पर आई हूँ और मुझे गुरुजी से मुलाकात का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। आपको चमत्कारों पर भरोसा करती हूँ? पहले देखिए, मैं कहना चाहूँगी इस बारे में कि पहले मुझे बिल्कुल, मैंने कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा अपनी लाइफ में। मुझे ना, मैं भरोसा करती थी इन चीज़ों पे कि शायद हो सकता है, क्योंकि काफ़ी मतलब मैं लिटरली बता रही हूँ आपको, काफ़ी ऐसे फेक लोग हैं, लोग है ना कि इस तरह की बातें करते हैं वो सब, पर जो चीज़ें मैंने अपनी आँखों से देखी है ना, उस अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि सच में आज ऐसा चमत्कार है दुनिया में कि जैसे साक्षात भगवान ही है ना हमें हमारे भविष्य की चीज़ें और त्रिकालदर्शी जिन्हें कहते हैं, जो आगे भविष्य की चीज़ें भी हमें बता रहे हैं और श्योरिटी के साथ, मतलब उस चीज़ को कोई काट नहीं सकता अगर उन्होंने कह दिया तो। मैं पूरा विश्वास करती हूँ इस अद्भुत शक्ति पर और मैं बहुत उनका सम्मान करती हूँ कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई और मेरे जीवन के लिए जो भी उन्होंने मुझे बताया उस चीज़ को लेकर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, पॉजिटिव हो। कोई एक इंटरव्यू देना चाहिए, उदाहरण? उदाहरण क्या, किस तरह का उदाहरण जानना चाहते हैं आप? किस तरीके से आपने समझाओ कि चमत्कार हुआ? एक्चुअली मैं अपने भविष्य को लेकर कुछ चीज़ों को जानने आई थी, मन में तो सवाल कुछ था पर उन्होंने जो मेरे प्रश्न तो ज़्यादा थे, हालांकि मैंने पर्ची पर भी लिखे थे पर गुरुजी ने बिना पर्ची देखे कह दिया मुझसे कि आपने जितने सवाल लिखने थे उससे कुछ ज़्यादा ही लिख लाए हो, जिसके उत्तर मैं एक साथ नहीं दे सकता। तो उन्होंने लेकिन जो मेरे मन के मेन प्रश्न थे, जो मेन थे, उनके जवाब उन्होंने मुझे दिए सबसे पहले। मैं ना तो मैंने कुछ कहा था उनसे ना कुछ, सर्वप्रथम उन्होंने वही चीज़ें मुझे बताई, तो मुझे वो चीज़ जानकर बहुत, मेरे लिए फर्स्ट टाइम लाइफ का एक एक्सपीरियंस था, अनुभव था, जिससे मुझे लगा कि हाँ सच में आज के टाइम पर ऐसी चमत्कारिक शक्तियाँ हैं और साक्षात हनुमान जी की शक्ति हमारे सामने आ गई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ी लिखी हैं जी, तमाम आए, आसाराम बापू भी आए, राम रहीम भी आए जी जी, और इस तरीके से लोगों का जो विश्वास बढ़ रहा था लेकिन वो कहीं ना कहीं श्रद्धा कम होती जा रही है, तो क्या कारण है इसका? देखिए, आज के टाइम पे है ना काफ़ी फेक लोग भी हैं जो इस तरह की अपने मतलब पैसा कमाने के लिए बोलो या उसकी आड़ में कुछ गलत काम भी कर रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आप सब भी देख रहे हैं समाज में किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। बट अभी जो मैंने यहाँ आकर जो महसूस किया ना, यहाँ मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं छपी मतलब मिली जिसमें कोई छुपन छुपाई जैसी चीज़ हो, है ना, कि किसी जैसे आप राम रहीम और इनकी जो बातें कर रहे हैं कि उनका कक्ष भी अलग होता था, लोग अलग अलग जाते थे, यहाँ गुरुजी भरे दरबार में कहते हैं जो चीज़ें कहनी है, सबके सामने कहते हैं वो सब चीज़ें, ऐसी कोई प्राइवेसी वाली चीज़ नहीं है कि आपको, कैमरे भी हैं हर जगह प्रूफ है और बाकायदा वो जो पर्ची पर लिखते हैं वो भी बिल्कुल जूम करके दिखाया जाता है पब्लिक को कि उन्होंने वो चीज़ पहले से ही लिखी हुई थी जो सामने वाले के मन में थी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि जो जो लोग परेशान हैं, और अभी मैंने देखा कि जो गुरुजी ने ये जो मेले का शुभारंभ किया है इसमें जो कैंसर के जो मरीज हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ उन्होंने वो तैयार कर रहे हैं, कुछ भभूत जिससे कैंसर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मेरे कॉन्टेक्ट के, मेरे संपर्क के जो भी लोग हैं उन तक मैं इस चीज़ को पहुँचाऊँ और जिसके भी कोई प्रॉब्लम है या वो, तो उनका समाधान हो सके। तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरी तरफ से भी अगर किसी को ये सब मिलता है, न्यूज़ मिलती है कि भाई चलो तो यहाँ एक बार ज़रूर आए
और देखें कि यहाँ आकर समाधान होता है 110%। मैं कोई इस चीज़ को पब्लिसिटी के लिए नहीं बोल रही कि मैं यहाँ आई हूँ तो आप लोग भी आइए, नहीं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से वो चमत्कार देखा है। तो मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि लोगों को यहाँ आना चाहिए। और ये एक ऐसा धाम है जहाँ हनुमान जी, मतलब कई लोग तो पता नहीं कौन कौन से, कोई भगवान हो ना हो, किसी न किसी अपने आप में एक मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा करके और ना कुछ तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें बताने लग जाते हैं। पर यह साक्षात एक हनुमान जी का रूप है जो आपको आपकी चाहे गलत हो या सच अच्छा हो वो आपके मुंह पर बोल के क्लियर करते हैं। वो ऐसे नहीं है कि पीछे से कुछ बोल देंगे या अलग से आपको फुसलाने के लिए या आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ चीज़ें बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप गलत हैं तो वो भी वो मुँह पर बोलेंगे, अगर आप अच्छे हैं तो भी वो मुँह पर ही बोलते हैं। कोई प्राइवेसी वाली चीज़ नहीं है कि उनको अलग से कुछ कहा जाता है या सबको अलग अलग बातें बताई जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सबके लिए समान है और सबका भला करते हैं। तो मेरी गुजारिश है आप सबसे, जो भी मेरा वीडियो देखें, प्लीज़ यहाँ ज़रूर आए, आप सबकी परेशानियों का समाधान होगा। धन्यवाद, जय श्री राम। तो जयपुर से हमारे साथ टीम है, और भी लोगों से बात करते हैं कि मैं ऐसी जगह पर पहुँची हूँ और मैं तो इस बात पर बहुत खुश हूँ कि यहाँ आके हमारी तो पूरी ज़िंदगी बदल गई। नहीं तो अगर हम यहाँ नहीं आते, हम 5 फैमिली हैं, अब तक तो हम 5 मर गए होते, इतनी परिस्थिति खराब थी, तंत्र बाधा थी। अब कुछ लोग तो मानते नहीं इस चीज़ को, लेकिन हम तो मानते हैं, यहाँ आके तो बिल्कुल सो हैं कि है तंत्र बाधा। और गुरु जी ने जैसे ही लिखा और बताया सब कुछ, दुकानें एजेंसी हमारी सब कुछ बंद हो गई थी। यहाँ से जाने के बाद 15 दिन के अंदर सबसे पहले तो हमारी दुकान खुल गई, नगर निगम वालों ने बंद कर दी थी, तंत्र बाधा से एजेंसी बंद हो गई थी। तो हम इस चीज़ को बहुत मानते थे। एजेंसी काय की है आपने? पानी, कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, इन सब चीज़ों की थी। अब बंद है क्योंकि परिस्थिति सारा ख़राब हो गया था तंत्र की वजह से। लेकिन यहाँ आने के बाद 15 दिन के अंदर जो दुकान खुली, उससे हमारी परिस्थिति फिर जैसी थी वैसी हो गई। हम अभी 1 साल से आ रहे हैं, लेकिन मैं धन्य हो गई यहाँ आके। और मैं हर एक किसी से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि यहाँ आओ, ऐसा कोई दुख नहीं है जो यहाँ आके कटे ना, बिल्कुल। यहाँ समझ लो भगवान के अवतार हैं, गुरुदेव महाराज का। क्या पर्चा क्या बताया था आपने? जी जी, सुमन चौरसिया, गाजियाबाद से हूँ। सुमन चौरसिया, गाजियाबाद। इनकी जो है एजेंसी बंद हो गई थी, काफ़ी हालात ख़राब चल रहे थे, तंत्र बाधाओं से, समस्याओं से घिरी हुई थी, लेकिन आज यहाँ आने के बाद एक अच्छा फील कर रही हैं और अब सभी समस्याओं से मुक्ति इन्होंने मिल चुकी है। हमारा अपडेट जारी है। सबसे पहले आपका क्या परिचय है? लोकेश आचार्य नाम है मेरा, मैं राजस्थान जयपुर से हूँ और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से जयपुर शहर से उपाध्यक्ष हूँ। और बस जब से पूर्व में भी मैं एक बार पंडोकर धाम आ चुका हूं और मेरी समस्या का, जितना मेरी समस्या थी उसका समाधान हुआ है। और उसके बाद इस बार मैं अमावस्या और इस बार जो गुरुजी ने इस बार मेले का जो समारोह रखा है उसको देखने भी मैं इस बार आया हूं और 7 से 8 दिन मुझे यहां हो गए हैं और मैं और मेरा परिवार काफ़ी संतुष्ट है। और पंडोकर धाम एक ऐसा धाम है जहाँ हर समस्या का समाधान है और बिल्कुल निष्पक्ष 100% आप सेटिस्फिकेशन रहेंगे, परिवार से हो चाहे आप दोस्तों परिवार जैसे भी हो, 100% आप सेटिस्फाइड होंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो पंडोकर धाम आएँ, चाहे आपकी कोई भी समस्या हो, चाहे बीमारी से हो, चाहे कैंसर से हो या पारिवारिक समस्या, जो भी आप समस्या लेके आएंगे आपका समाधान होगा। पैसा तो बहुत लगते हैं? हाँ, पैसा तो बहुत लगता है। देखिए, पैसा जो गुरुजी आज यहाँ ले रहे हैं वो पैसा वो खुद नहीं रख रहे, वो यहाँ जो मंदिर का इतना कार्यक्रम चल रहा है, जो मंदिर बन रहा है, करीब राम मंदिर की व्यवस्था है, करोड़ों रुपए का कार्यक्रम चल रहा है, तो वो पैसा वहाँ लग रहा है। इसलिए भक्त इस चीज़ को देखकर वो ना करें कि भाई पैसा ले रहे हैं, अगर पैसा ले रहे हैं तो आपका समाधान भी हाथों हाथ हो रहा है। बिल्कुल। तो लगातार पब्लिक का जो आपका सवाल है वो सवाल हम पूछने की कोशिश करते हैं और हर सवाल का जवाब आपको मिले। और कोई भी आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें लगातार हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार। पंडोकर धाम में 10 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक श्री राम महायज्ञ एवं सांस्कृतिक मेले का होगा आयोजन, जिसमें संजीवनी मेडिकेयर मेंटेलिटी सेंटर द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
संस्थापक डॉक्टर संदीप पांडे MBBS। पंडोखर धाम का पता तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश में विशाल श्री राम महायज्ञ का आयोजन। नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा।